हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, वीडियोस जो आज हम करने वाले हैं ये काफ़ी टाइम बाद होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं दोस्तों जब से मैंने वीडियो नहीं डाला है एक भी, ठीक है। सो उसका कुछ पर्सनल रीज़न भी है और आपसे मुझे छोटा सा शिकायत भी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, मेहनत पूरी करनी पड़ती है और आप लोग जो है वीडियोस को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और आप लोग जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं वीडियोस में, मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। अब ये सही है या गलत है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियोस अपलोड किया जाता है तो उसमें देखने को मिलता है कि आप लोग बहुत ही कम संख्या में जो है अवेलेबल होते हैं उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या फिर ऐसा है कि आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है ना। तो आप ज़रूर बता देना कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या फिर आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में या कुछ और बात है, ठीक है। ये दोस्तों प्लीज़ करके आप ज़रूर बताना। कुछ यही ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ और मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा, आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो इसलिए प्लीज़ करके आपको वीडियो को शेयर करना है और कोई कमी दिखे तो यार बता दिया करो, ठीक है ना, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है। और हमने जैसा कि इसके पहले तो अभी तक मैकेनिक्स ही पढ़ा है और मैकेनिक्स का हमारा लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक चैप्टर बचा है फ्रिक्शन, तो वो मैं आपको किसी एक वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दूंगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसमें कि मैं आपको 5 से 6 लेक्चर प्रोवाइड कर भी चुका हूँ और इसमें हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, ये आपको पता होगा। और लेक्चर मैंने जैसा कि बताया 5 से 6 हैं, तो ये लगभग 6वां लेक्चर होगा, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। और आपका इंटीग्रेशन चल रहा है यानी कि समाकलन चल रहा है, ठीक है। और आज हम किस टाइप का जो है इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं तो वो आप ध्यान रखना। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहेंगे हमारे, उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम चर घातांकीय फलन कहते हैं, ठीक है। जो घात वाले फंक्शन होंगे उनको हम मतलब उनका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। हमने काफ़ी टाइप के जो है हमने फंक्शंस के इंटीग्रेशन सीखे हैं अभी तक, तो वो प्लीज़ करके आपको पीछे के वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो, करेक्ट दोस्तों। चलिए और अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उनको, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सभी लोग जानते होंगे बेसिकली, और जो फॉर्मूले रहे दोस्तों तो फॉर्मूले तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो चलिए मैं 1 से 2 मिनट जल्दी से आपको फॉर्मूले रिवाइज़ करा देता हूँ। सो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स पर पावर एन का। तो क्या होता है दोस्तों, अगर एक्स पर कुछ भी घात आपकी आती है और आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो तो आपको क्या करना है, उस घात में एक जोड़ देना है, फिर जो टोटल घात बनेगी उसको बटे में कर देना है। यही मैंने आपको सिखाया है, यानी कि आप एक्स पर पावर एन प्लस वन कर देंगे बटे में एन प्लस वन कर देंगे, ठीक है। एन आपका पावर होता है, घात होता है, ठीक है। और प्लस सी हम लगाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से आपका 1/x का, तो ये log x होता है, ठीक है। ये आपके जस्ट डिफरेंशिएशन के ही अपोजिट होते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपने log x का 1/x पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा पढ़ना है, यानी कि 1/x का आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, log x पढ़ना है, ठीक है। e पर पावर x का सेम होता है, a पर पावर x का होता है a पर पावर x, और बटे में होता है log, और a जो होता है वो आगे आ जाता है, बेस में e चला जाता है, ठीक है। साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है आपका साइन एक्स, और आपका सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स, और ये तीन फॉर्मूले आपको एक साथ याद कर लें, ठीक है। पहला है 1/√ के अंदर 1 - x², जो कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए दूसरा होता है 1/1 + x², जो कि हमारा टेन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। और नीचे हमारा तीसरा दिया है 1/x और फिर रूट के अंदर x² - 1, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। अब इससे तीन फॉर्मूले हमें और बनाने होते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, हम लोग जहाँ ए लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं दोस्तों, वहाँ पर हमको ए स्क्वायर करना है, क्या करना है, ए स्क्वायर, यानी कि 1/√ के अंदर a² - x², ठीक है। यहाँ पे करना है 1/a² + x², यहाँ पे करना है 1/x फिर रूट के अंदर x² - a², तो हमारा तीन नया फॉर्मूला बन जाएगा, देखना कैसे, ये देखिए
ये देखिए तीन नए फॉर्मूले आपके बन चुके हैं। यहाँ पे पहले वन था जहाँ पे ए स्क्वायर है, अब आपने यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फॉर्मूले में। पहली बात तो ये कि आपको आगे वन अपॉन ए लगा देना है, बस केवल साइन वाले में छोड़ देना है, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू है उसके नीचे ए लगा देना है बस। ए जो एक्स के नीचे लगाना है वो सब में लगाना है, लेकिन आगे जो वन अपॉन ए लगाना है वो केवल और केवल आपको किस में लगाना है, इन दोनों में, ठीक है। साइन वाले को छोड़ देना है, करेक्ट। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतने ही फॉर्मूले याद कर लीजिए, इस लेक्चर में इतना ही आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। हम लोगों का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें दिया है ई पर पावर थ्री लॉग बेस ई फाइव एक्स डी एक्स, यानी कि आप समझ गए कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है, पीछे डी एक्स लगा है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा, जो ई है दोस्तों उस पर पावर लगी हुई है थ्री लॉग बेस ई फाइव एक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो लॉग बेस ई एक्स पर पावर एन होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, उसकी घात आगे आ जाती है। कहाँ जाती है? आगे, यानी कि एन लॉग बेस ई एक्स। तो जब घात को हम आगे ला सकते हैं, तो क्या घात जब आगे होगी तो हम उस पर घात मतलब वापस नहीं कर सकते? मतलब जैसे कि एक्स पर पावर एन है तो हम एन आगे ला सकते हैं, लेकिन अगर घात हमें आगे दे दी जाए तो क्या हम फिर से x पे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पर पावर log बेस e। अब ये मत करना कि 5 और x पर पावर केवल 3 लगाना, नहीं, log और ये पूरे को x मानेंगे और फिर लगाएंगे हम लोग 3 का पावर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 5x और पावर हो जाएगा 3, इसको कर दीजिए dx। अब इसका क्यूब निकाल दीजिए तो 5 का कितना होता है 125, और एक्स क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से कितना आ गया, 125 को मैंने कर दिया बाहर, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एन के हिसाब से एक्स पर पावर 4/4 और प्लस सी, ठीक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले होते हैं उसमें मेनली आपका दोस्तों यही रूल यूज़ होता है, मैक्सिमम घात को आगे पीछे करना, यही देखना मैक्सिमम आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ, और अब मूव करिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, इसमें ए को आपको इस एक्स के ऊपर ले जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा ई लॉग बेस ई एक्स पर पावर ए, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी एक्स, करेक्ट। अब ये दोनों कैंसिल होगा, ये हो गया एक्स पर पावर ए डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, वो एन की ही वैल्यू है, एन की ही वैल्यू है, इसलिए एक्स पर पावर ए प्लस वन और बटे में ए प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपको लग रहे होंगे, ठीक है, बस आपको टाइप सीखना है कि एक्सपोनेंशियल का यूज़ हम कैसे करेंगे या इन फंक्शन का इंडिकेशन कैसे करेंगे, ये सीखना है आपको, ठीक है। मैन आपका यही है। अभी आपको बहुत टफ क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा कह सकते हैं अपर लेवल के क्वेश्चन आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये बेसिक आपका चल रहा है, करेक्ट, क्योंकि अभी आपने 5 से 6 लेक्चर्स ही पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन पे, तो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये अलग अलग स्टेप दिए थे, बस अब इसमें कंबाइंड फॉर्म में रख दिए हैं एक साथ तीन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इनका एक साथ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे कर देंगे, वही मेथड यूज करना है। देखिए आप पहले तो इनको अलग अलग कर लीजिए, चाहे तो ई पर पावर एक्स लॉग बेस ई डी एक्स कर लीजिए, प्लस ई पर पावर ए लॉग बेस ई एक्स डी एक्स कर लीजिए, प्लस ई पर पावर ए लॉग बेस ई डी एक्स कर लीजिए, ठीक है। तो अब इस एक्स वाले को फिर से यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ई पावर कितना हो जाएगा, लॉग, थोड़ा सा नीचे लिख गया लेकिन आप समझिएगा, ठीक है, ई और ए पर पावर एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। हमने एक्स को इसके ऊपर भेज दिया, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा ई, ठीक है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स पर पावर ए, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे लिख गया, इनटू में लग रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, है ना, ऐसे, प्लस आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डी एक्स कर दिया, और ये हो जाएगा ई, और यहाँ पे लॉग बेस ई और ए पर पावर ए, ठीक है, समझ गए ना। और फिर इसका करना है आपको डी एक्स, करेक्ट दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ई लॉग बेस ई पे पावर एक्स, बिल्कुल सही है, और ई लॉग बेस ई एक्स पर पावर ए, बिल्कुल सही है, ई, ठीक है, लॉग बेस ई पावर ए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इससे कैंसिल करा, इसको इससे कैंसिल करा, इसको इससे कैंसिल करा, तो ये बचा ए पर पावर एक्स डी एक्स, ये बचा एक्स पर पावर ए डी एक्स, और ये बचा ए पर पावर ए डी एक्स,
करेक्ट ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको समझते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही मेथड यूज़ करना, सेवन को एक्स के ऊपर ले आना है। तो ई से अगर मैं देखूं तो लॉग एक्स कट जाएगा और डायरेक्ट लिखूं तो एक्स पावर सेवन आ जाएगा। मैं एक स्टेप गायब कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए मैं इस साइड नोट कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया है ई लॉग बेसी एक्स पर पावर सेवन, लेकिन एग्ज़ाम में इतना शॉर्ट नहीं लगाएंगे, है ना, एग्ज़ाम पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से एक्स पर पावर फाइव माइनस ई लॉग बेसी एक्स पर पावर फोर, इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये आपस में ऐसे कैंसिल होंगे, फिर यहाँ बचेगा एक्स पावर सेवन, यहाँ बचेगा एक्स पावर सिक्स, यहाँ बचेगा एक्स पावर फाइव, यहाँ बचेगा एक्स पावर फोर डी एक्स, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, काट दो, जो बचे उसका इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर, हम कॉमन कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट हम लोग ले सकते हैं अगर देखा जाए तो, या फिर नीचे के हिसाब से ले लो, नीचे हाईएस्ट फोर आएगा तो ऊपर फोर ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा एक्स पावर फोर के हिसाब से, ऊपर बचा थ्री माइनस एक्स पावर टू बचा, ठीक है। और नीचे जब हम फोर लेंगे, ठीक है, नीचे फोर लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम और भी कुछ कर सकते हैं, एक बार फिर से कॉमन ले सकते हैं ताकि अंदर हम बचा लें एक्स माइनस वन, तो ऊपर जब हम एक्स स्क्वायर और कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर नीचे एक्स माइनस वन है ही, तो ये तो कट ही गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर, इसका डी एक्स करना था केवल, ठीक है, क्या करना था, केवल डी एक्स करना था। तो इसका हो जाएगा एक्स क्यू बटे में तीन प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये भी बिल्कुल ईजी था। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और शायद एक क्वेश्चन इसके जैसा और ही, तो वो आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं करना, अलग अलग भाग दे देना है, तो दो बटा पाँच, ठीक है, यानी कि टू पे पावर एक्स, फाइव पे पावर एक्स, ठीक है, प्लस थ्री पे पावर एक्स, फाइव पे पावर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये बन गया दो बटे पाँच पूरे का पावर एक्स कर दीजिए, क्योंकि घात सेम है तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, है ना, तीन बटे पाँच इसका पूरे का कर दीजिए एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक, दिक्कत कोई यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया ए पर पावर एक्स का फॉर्मूला। तो ए पर पावर एक्स का क्या होता है, ए पर पावर एक्स होता है पहले तो, फिर बटे में होता है लॉग बेस ई, और एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू दो बटे पाँच है, प्लस यहाँ पे होता है ए पर पावर एक्स, ठीक है, बटे में होता है लॉग बेस ई, ठीक है, और ए होता है तो तीन बटा पाँच हो जाएगा प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ऐसे ही सेम है, वो कर लीजिए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे जैसा सेम ही है, तो ये तो मेरे हिसाब से सभी लोग कर लेंगे, थ्री पर पावर एक्स और सेवन पे पावर एक्स डी एक्स कर लेंगे, और प्लस कर देंगे फाइव पर पावर एक्स बटा में सेवन पर पावर एक्स डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्त थ्री पर पावर सेवन एक्स डी एक्स, करेक्ट, प्लस फाइव पे पावर सेवन और एक्स डी एक्स, ठीक है। जब आपकी घाते समान लगी हो तो आप उनको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा थ्री पर पावर सेवन यानी कि ए पर पावर एक्स बटे लॉग बेस ई ए, ठीक है, प्लस ए पर पावर एक्स बटे में लॉग बेस ई ए, ठीक है, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी इजी एक्सपोनेंशियल आपकी जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। मैंने इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए थे, दो थे छोटे छोटे, वो भी मैंने इसमें जो है रख दिए थे, ठीक है। तो आपका पूरा एक्सरसाइज का भी जो भी एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन था वो हो गया, और जो आपके कह सकते हैं एग्जाम्पल्स थे वो भी हो गए, ठीक है। तो ये आपको लगा लेना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना ध्यान से, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो बात बोली थी वो आपको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है, ठीक है। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या वो बात सही है या फिर क्या है, ठीक है, या मैं गलत फील कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो ये कंटिन्यू रखेंगे हम लोग दोस्तों वीडियोज़, ठीक है, अब आपको डेली मिला करेंगे, बाई चांस कभी हो जाता है। और मेन रीज़न जो था मैं वो शेयर कर चुका हूँ क्या रीज़न था, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।